मोदी सरकार अब अपने बेफजूल व गैर जरूरी खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रही। मेरे को एक्साइज ड्यूटी जरा 6,200 करोड़ आना सी होनी आ रहा है जब ओ नहीं दे रहे जो साडा पहला ही है। फल की दुकान पर हिंदू नाम जोड़ना गलत है तो मुस्लिमों के लिए इस्लाम मुताबिक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचना क्या सही है? लॉकडाउन के कारण देश की अर्थव्यवस्था को झटका लगा है। कोरोना संकट का असर न केवल लोगों की सेहत पर बल्कि उनकी जेब पर भी पड़ रहा है। प्राइवेट सेक्टर के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों की सैलरी में भी कटौती की गई है। हाल ही में मोदी सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए सरकारी कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में की गई बढ़ोतरी को जुलाई 2021 तक के लिए फ्रीज कर दिया है। सरकार के इस फैसले का असर 54 लाख सरकारी कर्मचारियों और 65 लाख पेंशन भोगियों पर पड़ सकता है। वहीं सरकार के पास राज्य सरकारों को देने के लिए पैसा भी नहीं है। मेरे को एक्साइज ड्यूटी जरा 6,200 करोड़ आना सी होनी आ रहे हैं जेडे साढ़े GST है। GST मेरी 2,000 करोड़ दे के हूँ मेरे 4,400 करोड़ मेरा हाले भी उन्होंने को पेंडिंग पे मैंने वापस वो मैंने दे नहीं रहे। जब वो नहीं दे रहे जो साडा पहला ही है ये कोरोना लड़न वास्ते की देंगे सानू। तो मैं बार बार प्राइम मिनिस्टर नूं लिख रहे हैं और होरां नूं लिख रहे हैं कि कोरोना की लड़ाई बड़ी जबरदस्त लड़ाई है तुसीं सानू हेल्प करो। पर इस आर्थिक संकट में भी 20,000 करोड़ की लागत से तैयार हो रहा सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट का काम तेजी से जारी है। हालांकि इस प्रोजेक्ट को रोकने के लिए लगातार विपक्ष के बड़े नेताओं की ओर से प्रतिक्रियाएं आ रही हैं कि इस प्रोजेक्ट को बंद करके इस पैसे का लॉकडाउन के दौर में सही जगह पर इस्तेमाल किया जाए। आई सी द प्रॉब्लम इज दैट यू आर बिल्डिंग योर सेंट्रल विस्टा एट द सेम टाइम। सो आइदर यू आर नॉट सॉर्ट ऑफ डूइंग दीस एक्सट्रावेगेंट एक्सपेंडिचर्स बट you're taking my money from the middle class, you're not giving money to the poor people, and you're spreading it, spending it on your central vista. We can make the point when you have not cut back expenditure on the bullet train, central vista development. Those are the programs which should first be put on halt. So I think if we raise this issue, we must raise it in alignment with the vanity project like central vista, where the government is going ahead. Modi sarkar apni befazool अपने बेफजूल व गैर जरूरी खर्चों में कोई कटौती नहीं कर रही। सबसे पहले अगर सरकार को पैसे की तंगी है तो बजट में जो बेफजूल और गैर जरूरी खर्चे हैं उनकी कटौती अनिवार्य है, परंतु उनकी कटौती ना कर मोदी सरकार सैनिकों, सरकारी कर्मचारियों व पेंशनरों की जिंदगी की सारी आय पर हमला बोल रही है। कोरोना संकट के बावजूद आज तक मोदी सरकार ने ना तो 20,000 करोड़ का सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट खारिज किया। यह दर्शाता है कि मोदी सरकार की पथ भ्रमित प्राथमिकताओं का यह जीता जागता सबूत है। कांग्रेस पार्टी की अध्यक्ष सोनिया गांधी से जब कोरोना संकट से निपटने के लिए सरकार ने सुझाव मांगा तब उन्होंने अपने सुझाव में सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट की बात कही और लिखा कि 20,000 करोड़ रुपए की लागत से बनाए जा रहे सेंट्रल विस्टा अन्य सौंदर्यकरण और निर्माण कार्यों को स्थगित किया जाए। सोनिया ने लिखा है कि मुझे विश्वास है कि संसद मौजूदा भवन से ही अपना संपूर्ण कार्य कर सकती है। नई संसद व उसके नए कार्यालयों के निर्माण की आज की आपातकालीन स्थिति में जरूरत नहीं है। ऐसे संकट के समय इस खर्च को टाला जा सकता है। वही इतिहासकार रामचंद्र गुहा जो की कई सालों से हिंदुस्तान टाइम्स में आर्टिकल लिखते आ रहे हैं उन्होंने हाल ही में दिल्ली में 20,000 करोड़ की लागत से बन रहे विस्टा प्रोजेक्ट पर एक आर्टिकल लिखा था कि इस प्रोजेक्ट की अभी जरूरत नहीं है, जो राशि इसमें लगने वाली है उसे COVID-19 से बचाव के लिए यूज किया जाना चाहिए। पर सरकार से डरते हुए हिंदुस्तान टाइम्स अखबार ने इस आर्टिकल को छापने से मना कर दिया। अब आपको बताते हैं कि असल में ये सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट है क्या। सेंट्रल विस्टा भारत के ताकत का केंद्र है। राष्ट्रपति भवन, पार्लियामेंट, नॉर्थ ब्लॉक, साउथ ब्लॉक, वाइस प्रेसिडेंट हाउस और सेंट्रल सेक्रेटरिएट ये सभी सेंट्रल विस्टा के अंतर्गत आते हैं। सरकार की योजना इस पूरे इलाके का पूर्ण निर्माण करने की है। सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट के तहत नया त्रिकोणीय संसद भवन, कॉमन केंद्रीय सचिवालय और 3 किलोमीटर लंबे राजपथ को रीडेवलप किया जाएगा। नए संसद भवन में 900 से 1200 सांसदों की बैठने की क्षमता विकसित की जाएगी। इसी साल 20 मार्च को इसके लिए लैंड भी अप्रूव हो गई है और 2024 तक सेंट्रल विस्टा का पूरा काम हो जाएगा। सवाल यहाँ ये उठता है
कि क्यों ना हम इस पैसे को संकट के चलते किसी और चीज में यूज करें। द वीक की रिपोर्ट के मुताबिक हम अगर रफली हिसाब लगाएं, तो इस पैसे से हम 7.14 लाख आईसीयू वेंटिलेटर्स और 13.3 लाख पोर्टेबल वेंटिलेटर्स खरीद सकते हैं, जो कोरोना संकट के चलते काम आ सकते हैं, और इस पैसे से कई नए हॉस्पिटल भी बन सकते हैं। इस पूरे प्रोजेक्ट को लेकर हमारा मीडिया चुप है, वह सिर्फ धार्मिक मुद्दों पर ही डिबेट कर रहा है। मीडिया इकोनॉमी और ऐसे मुद्दों पर कम ही डिबेट करता है, या तो बिल्कुल ही नहीं करता। आज का मुद्दा है, देश में खाने को धर्म के चश्मे से कौन देखता है। पिछले 40 घंटे से देश में कुछ तस्वीरों को लेकर बहस छिड़ गई है। तस्वीरें जिसमें कुछ फल वालों की दुकान के आगे लिखा था हिंदू फल की दुकान, पुलिस ने तुरंत इसे धार्मिक तनाव फैलाने की कोशिश मानकर कार्रवाई की। लेकिन सवाल यह है कि कोरोना संकट काल के वक्त जब कई तरह की अफवाहें फैली हों, तब फल की दुकान पर हिंदू नाम जोड़ना गलत है, तो मुस्लिमों के लिए इस्लाम मुताबिक हलाल सर्टिफाइड प्रोडक्ट बेचना क्या सही है? कुछ नेता महामारी में भी मजहब की दुकान सजा कर बैठे हैं, और ऐसे नेता हर पार्टी में मौजूद हैं। बीजेपी के एक विधायक कह रहे हैं कि मुसलमानों की दुकान से सब्जी मत खरीदो, और वैसे कह रहे हैं कि मुसलमानों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। तो झारखंड में हिंदू फल की दुकान पर एक तरफा बवाल मच जाता है, सवाल खड़ा हो जाता है। और कांग्रेस के कपिल सिब्बल ने तो चार कदम आगे जाते हुए क्वारंटीन सेंटर को डिटेंशन सेंटर जैसा बता दिया था। आखिर ये कैसी सियासत है जो ना मौका देखती है ना दस्तूर देखती है। महाभारत में आज हम पूछ रहे हैं सीधा सवाल कि आखिर मौलाना साथ कहां छिपा है। हमारा सीधा सवाल कि आखिर वो मौलाना जो मजहब की तकरीरें करता है, ईमान की तकरीरें करता है, वो मौलाना आखिर पुलिस और कानून से क्यों भाग रहा है। हम तो यही अपील करेंगे कि सरकार इस प्रोजेक्ट का निर्माण फिलहाल के लिए रोक दे और कोरोना संकट से देश को बचाने में जुट जाए, ताकि देश में और कोई संकट की स्थिति ना बने। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब टुडे टीवी। इफ यू लाइक आवर चैनल प्लीज सब्सक्राइब एंड टू गेट नोटिफिकेशंस अबाउट न्यूज़ प्लीज क्लिक द बेल आइकन।